आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक के बारे में कि ये क्या होता है, ये क्यों मनाया जाता है, इस साल की थीम क्या है, इसे मनाने का उद्देश्य क्या है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मोबाइल फोन को चार्ज करने से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने तक बिजली का उपयोग किया जाता है और लगभग सभी लोग बिजली व बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग प्रतिदिन करते हैं। लेकिन जब इन सब का अनुचित तरीके से उपयोग किया जाता है या इनकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो बिजली का झटका लगने, शॉर्ट सर्किट होने, आग लगने जैसी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इन दुर्घटनाओं में बहुत से लोगों को मामूली से लेकर गंभीर चोट पहुंचती है और कुछ की मौत भी हो जाती है, और साथ ही आग लगने जैसी दुर्घटनाओं के कारण संपत्ति को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए बिजली और बिजली के उपकरणों का सही से उपयोग करने के लिए सभी लोगों में जागरूकता को बढ़ाने व होने वाली सभी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हर साल पूरे भारत में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा 26 जून से 2 जुलाई तक नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक कैंपेन चलाया जाता है। इस सप्ताह की थीम हर साल अलग अलग होती है और इस साल 2023 की थीम है डोंट कॉम्प्रोमाइज बी वाइज, और इस साल हम 4th नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक मना रहे हैं। इस पूरे सप्ताह के दौरान अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को विद्युतीय खतरों से अवगत कराया जाता है, जिससे उनमें बिजली का कार्य किस प्रकार करना चाहिए, बिजली के उपकरणों को खरीदते व उनका उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आदि के प्रति जागरूकता बढ़ सके। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक मनाने के उद्देश्य के बारे में। नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक मनाने का उद्देश्य होता है बिजली से संबंधित खतरों के प्रति लोगों और उद्योगों में अधिक से अधिक जागरूकता को बढ़ाना, क्योंकि जब लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और उन्हें पता होगा कि बिजली संबंधित कार्य कैसे व किस प्रकार करना चाहिए, कार्य करते समय क्या क्या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए, किस तरह के तारों का उपयोग कब और कहां करना चाहिए, बिजली के उपकरण खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बिजली का झटका लगने, शॉर्ट सर्किट होने, आग लगने जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके, यही नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक मनाने का उद्देश्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक की थीम के बारे में। इस साल 2023 की थीम है डोंट कॉम्प्रोमाइज बी वाइज। इस थीम का उद्देश्य है बिजली के उपकरणों या बिजली से संबंधित कोई भी कार्य करते समय हमें कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, हमेशा समझदारी से बिजली का कार्य करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय, बिजली के उपकरणों को खरीदते समय, बिजली का कार्य करते समय सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं, और कभी कभी तो वह लोग बिजली के उपकरणों को खरीदते समय उनकी क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जिससे बिजली का झटका लगने की संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए हमें कभी भी बिजली से संबंधित कार्य करते व उपकरणों का उपयोग करते या उन्हें खरीदते समय अधिक से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कोई दुर्घटना ना हो। क्योंकि पूरे भारत में बिजली के उपकरणों का सही से उपयोग ना करने के कारण हर साल हजारों लोगों की मौत होती है और हर साल इनकी संख्या बढ़ रही है। NCERB के आंकड़ों के अनुसार साल 2011 से 2020 तक बिजली के झटके लगने के कारण लगभग 1.1 लाख लोगों की जान चली गई है, या हम यूं कह सकते हैं 11,000 मौतें प्रतिवर्ष और 30 मौतें प्रतिदिन हो रही है। बिजली का झटका लगने से होने वाली मौतों में 50% की भारी बढ़ोतरी हुई है, जो 2011 में 8,945 से बढ़कर 2020 में 13,446 हो गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं बिजली व बिजली के उपकरणों से उत्पन्न होने वाले खतरे कौन कौन से हैं। बिजली व बिजली के उपकरणों से उत्पन्न होने वाले खतरों में शॉर्ट सर्किट होना, बिजली का झटका लगना, आग लगना शामिल है। ये खतरे तभी उत्पन्न होते हैं जब सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है, चाहे वह बिजली का कार्य करने के दौरान हो या बिजली के उपकरणों की खरीद व उनका उपयोग करने के दौरान। अब हम बात करते हैं बिजली व बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जब भी हमें हमारे घर या ऑफिस में बिजली से संबंधित कोई भी छोटे मोटे कार्य करने होते हैं, जैसे पिन बदलना, तारों को काटकर तारों की लंबाई बढ़ाना, स्विच बदलना आदि, ये सभी कार्य आपको तभी करने चाहिए जब आपको अच्छे से पता हो कि ये कार्य किस प्रकार होगा। बिजली के उपकरण खरीदते समय हमेशा उनकी क्वालिटी का ध्यान रखें, चाहे वो उपकरण छोटा हो या बड़ा, हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले ही बिजली के उपकरण खरीदें, क्योंकि हम कभी कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कुछ पैसे कम होने के कारण, जिससे उस उपकरण के हीट होने, शॉर्ट सर्किट होने, जल्दी खराब होने आदि अनेक प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है।
बिजली से संबंधित कोई भी कार्य करते समय हमें हमेशा उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए, चाहे वह कार्य कितना भी छोटा क्यों ना हो। हमें सुरक्षा को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिजली का कार्य करते समय कभी भी समझौता ना करें। जैसे अगर आपको कोई कार्य करना है जो बिजली से संबंधित है, लेकिन उस कार्य के लिए आपको एक सीढ़ी की जरूरत है, लेकिन आपके पास एक लोहे की सीढ़ी रखी हुई है, तो उस सीढ़ी का उपयोग करने के बजाय आपको लकड़ी की सीढ़ी का उपयोग करना चाहिए, चाहे वह कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो। अगर आप लकड़ी की सीढ़ी का उपयोग करने के बजाय लोहे की सीढ़ी का उपयोग करते हैं तो आपको बिजली का झटका लग सकता है, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। हमेशा बिजली के उपकरणों को कार्य पूरा होने के बाद उन्हें बंद करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें चालू छोड़ देंगे तो गर्म होकर उनमें आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अधिकतर स्थान पर होने वाली बिजली से संबंधित दुर्घटनाएं बच्चों के कारण होती है, क्योंकि बच्चों को बिजली व बिजली के उपकरणों के उचित उपयोग के बारे में पता नहीं होता है। इसलिए बच्चों को उनके उपयोग व उपयोग करने के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में बताना चाहिए और जितना हो सके बच्चों को इन सभी उपकरणों से दूर रखना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल शील टॉक्स को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।